भागलपुर पुलिस ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अबजूगंज में एक महिला की हथौड़ी से पीटकर हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक श्री राज ने मामले का खुलासा करते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सिटी SP श्री राज ने बताया कि अबजूगंज निवासी रवि पंडित के बयान पर सुल्तानगंज थाना में निर्मला देवी की हथौड़े से मारकर हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद FSL और तकनीकी अनुसंधान के जरिए पति द्वारा निर्मला देवी की हथौड़ा मारकर घायल किए जाने और फिर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद घटना में शामिल आरोपी पति संजीव कुमार पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी SP ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। सुल्तानगंज थाना अंतर्गत का है, जिसमें अबजूगंज ग्राम में रवि पंडित के फर्द बयान पे एक मामला दर्ज किया गया था, जो कि हत्या संबंधित है 316-24। इनके जो बयान के अनुसार इनके भाई की हत्या, इनके ही छोटे भाई जिनका नाम अमर कुमार और गोतनी संदीपा भारती के द्वारा किया गया, परंतु जब ये अनुसंधान किया गया और गहन अनुसंधान किया गया पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आया कि जो मृतक की हत्या जो है, मृतिका की हत्या उनके पति संजीव कुमार पंडित ने ही की है, और इसकी खुलासा जो है इनकी माता के द्वारा भी जो अपने बयान में आया है, और संजीव कुमार पंडित ने भी इस अपराध को स्वीकार भी किया है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी को मारकर जख्मी कर दिया, जो कि इलाजरत होने के दौरान वो उनकी मृत्यु हो गई। बरामदगी के रूप में जो इनके द्वारा जो प्रयुक्त किया गया था हथौड़ा, उसको हत्या में जो प्रयोग किया गया उसको गिरफ्तारी उसको बरामद कर लिया गया है, तथा संजीव कुमार पंडित को पिता विभीषण पंडित जो कि अबजूगंज के रहने वाले हैं इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरे टीम जो छापेमारी किया है, इसमें थाना अध्यक्ष प्रियरंजन सुल्तानगंज और इनकी पूरे टीम ने 24 घंटे के अंदर में इस पूरे मामले का अभिनंदन करते हुए और जो अक्यूज जिसको बनाया गया था और गहन अनुसंधान करते हुए जो वास्तविक अक्यूज है उनको गिरफ्तार किया है। भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के गोपालपुर रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गोपालपुर निवासी शिवचुहारा के 22 वर्षीय पुत्र बाबूलाल के रूप में हुई है, जो नगर निगम में डेली बेसिस पर सफाई मजदूरी का काम करता था। बाबूलाल के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। बाबूलाल की मां बेबी देवी ने बताया कि वह देर शाम 1500 रुपया लेकर यह कहकर घर से निकला था कि वह मोबाइल ठीक कराने जा रहा है, लेकिन मंगलवार की सुबह उसका शव गोपालपुर रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुआ। परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान की और इसकी सूचना औद्योगिक थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेबी देवी ने आरोप लगाया कि गाँव के ही भग्गो यादव के पुत्र और रिश्तेदार अक्सर बाबूलाल से मारपीट करते थे और उसे जान से मारने की धमकी भी देते थे। उन्होंने नीतीश यादव, पवन यादव, गोनू यादव, मिथिलेश यादव और छोटू यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। बेबी देवी ने बताया कि बाबूलाल और भग्गो यादव की पुत्री के बीच 2 वर्षों से प्रेम संबंध था, जिसका विरोध लड़की के परिजन करते थे। 4-5 महीने पूर्व भी इस मुद्दे को लेकर मारपीट हुई थी। मृतक की मां ने बताया कि जब लड़की दूध देने आया करती थी तब से दोनों के बीच संबंध शुरू हुआ था, जिसे लड़की के परिजन मंजूर नहीं करते थे। वहीं 0 माइल पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। धमकी दे लगी तोरा बेटा के मारी के लेनी सुता दबो, कोई कुछ चमारा ना करे, पर मैं अशोक जदवर बेटन गोनुओ न मारी के दे दबो लेनी में कोई चमारा कुछ ना करे, पर मैं सातम छे विकास, सातम छे छोटुआ मिथलेशवा, इस सातों में मिल जाए कि हमारा बेटा सब ने मिली के मारी दिल जे लेकिन कहना मार लो पत्र बेटा है अब तब ना बतावा पड़े छे कोई चीज के दुश्मनी छले कहियो दुश्मनी ना ले झगड़ा लड़ा होलो ले छोरा से निम से अच्छा मारपीट कर लो ले त मख निकल के ना मारपीट करे ने रे तो तोरा बेटा हमरा झगड़ा करे जो तोरा बेटा के मारबो के छे कहना झगड़ा करे जो तो बल जबरी हमरा बेटा से में झगड़ा करे जाए हमरा बेटा केकरा झगड़ा करे हमरा बेटा जाई नगर निगम कमाए ले
नगर निगम में छला हां की करी छले वहां मां गाड़ी चलाईले की नाम छला बाबूलाल बाबूलाल हां नालम काम करेले फरुकल के गाड़ी चलेबो अभी मुंशीओ जी आइलो लेना कहां के रही वाला छ तो सुने हमरा नि गोपालपुर घर छे थाना थाना जीरो माइल जीरो माइल हां किल झगड़ा करे छनो बेटा से ये सब वो ना जाने छी बाबू झगड़ा छले सब बोल लड़का लड़की झगड़ा चले तो लड़का लड़की झगड़ा चले तो दोनों सोल पेन करी दिलिए ओकरा भाई ने चले बात विचार पहले धमकी दे रहले भाई वो धमकी दिया की नाम छे अपने हमरा नाम छे बेबी देव भागलपुर जिले के पीरपैती में 1959 में पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित राजवंशी परिवार को आवंटित 11.76 एकड़ जमीन पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंचल कार्यालय पीरपैती द्वारा इस जमीन पर पुनः 112 भूहीन परिवारों को प्रति परिवार 3 डिसमिल जमीन का वास्कित पर्चा निर्गत किया गया था। मंगलवार को जमीन की घेराबंदी के लिए सरकारी अमीन और मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त राजस्व कर्मचारी मंजीत कुमार के पहुंचने से पहले ही पर्चा प्राप्त लोग चिन्हित जमीन पर पहुंच गए थे और इसकी जानकारी मिलते ही शरणार्थियों ने डीएम को लिखित सूचना दी। वहीं डीएम ने तत्काल जमीन की पैमाइश पर रोक लगाते हुए एसडीएम कहलगांव को एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। डीएम के आदेश पर पैमाइश का काम रुक गया, लेकिन बासगीत जमीन का पर्चा पाने वाले लोग जमीन खाली करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं विधि व्यवस्था की समस्या को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता और प्रभारी थाना अध्यक्ष ने पर्चाधारियों को अपने घर वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वे जमीन खाली करने के लिए तैयार। हम लोगों ने आज से 5 वर्षों से लगातार हम लोग सरकार से विनय पूर्वक लड़ते आ रहे हैं, जो कि हम लोग को 2023 में दिसंबर में हम लोग को परवाना इशू हुआ, जिसके फरवरी में हम लोग को परवाना मिला बंदोबस्ती परवाना। इसके बाद एडीएम साहब आए, एडीएम साहब के आधार से हम लोग को सीओ साहब को आदेश दिए कि आप लोग नापी करके और जमीन को चिन्हित करके समेकेती करके इन लोग को बसाया जाए। हम लोगों से एडीएम साहब दरख्वास्त लिखवाए और सीओ ऑफिस में दरख्वास्त करके नापी का ऑर्डर निकाले। नापी करके हम लोग को नोटिस मिला, हर घर के 112 को नोटिस मिला। नोटिस के हिसाब से हम लोग जमीन अपना जमीन पर स्थल पे आ चुके हैं। नोटिस किस चीज़ के लिए मिला था? नापी और बसाने के संबंध में कि नापी करके नापी का कि मूल्यांकन इसका जमीन का है नहीं, इसलिए चिन्हित करने के लिए मूल्यांकन करने जमीन के लिए नापी करने आए कि किसी को बसाएंगे तो कहाँ बसाएंगे अंदाज नहीं है। इसके चलते वो नापी करके हम लोग को चिन्हित करेंगे, चिन्हित करके बसाने का काम करेंगे। भागलपुर पीरपैती थाना क्षेत्र के अम्मापाली गांव में एक दुखद घटना घटी है, जहां खेलने के दौरान तालाब में डूबने से एक 7 वर्षीय बच्चे सत्तम कुमार मंडल की मौत हो गई है। मृतक के पिता केशव मंडल ने बताया कि सत्यम कल दोपहर खेलते खेलते गांव के तालाब के पास चला गया था, जहां पैर फिसलने के कारण वह तालाब में डूब गया। वहीं स्थानीय लोगों ने तालाब से सबको बरामद कर लिया और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल भेज दिया। इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खेलने के चक्कर में गया था पोखर के पास में, अच्छा, पैर फिसलने में वो गिर गए पानी में, गिरने के बाद उनका। कब हुआ था ये घटना? 12 बजे करीब मिला है, 4 बजे मतलब 12 बजे दिन में कल हुआ था। हाँ, कल शाम में 4 बजे मिला। 4 बजे शाम में मिला। क्या नाम था बच्चे का? सत्यम कुमार मंडल। उम्र कितना होगा? 7 साल। कौन गांव का मामला है? अम्मापाली पीरपैती। आप कौन है? उनका पिताजी। क्या नाम है आपका? केशव कुमार मंडल। घर से कितना दूर पे तालाब है? 5 मिनट। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद के तत्वाधान में खैरपुर तथा नन्हकार खरीक में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्रेरणा केंद्र एवं संत कबीर प्रेरणा केंद्र की शुरुआत की गई। संवेद के निदेशक विक्रम वर्षा
पंचायत समिति सदस्य अनिल मंडल, समाजसेवी चंदेश्वरी दास और शिक्षक संजय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें संवेद के निदेशक विक्रम ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह व्यक्तित्व का विकास करती है और स्वतंत्रता की चेतना पैदा करती है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का साझा विस्तार ही समानता का मार्ग प्रशस्त करता है और संविधान द्वारा प्रदत्त समान के अधिकार के बावजूद समता मूलक समाज के निर्माण के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। वहीं संवेद की वर्षा ने लड़कियों के लिए अवसर की समता पर बात करते हुए कहा कि हमारे देश में लड़कियां अभी भी कई क्षेत्रों में पीछे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न रिपोर्टों से यह पता चलता है कि उनकी शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी कम है और उच्च शिक्षा में उनकी उपस्थिति भी कम है। पितृसत्ता और सामाजिक रूढ़ियां इसका प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम बच्चियों के लिए एक सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण का निर्माण करें, जिसमें हर लड़की को विकास, अभिव्यक्ति और सहभागिता का अवसर मिले। कार्यक्रम को पंचायत समिति सदस्य अनिल मंडल, सरपंच, वार्ड सदस्य सहित कई लोगों ने संबोधित किया। वहीं सभा का संचालन संवेद के सुनील मंडल ने किया। इस अवसर पर गौतम दास, अरविंद कुमार, संदीप कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे।